फिर ये शरीर इसमें कौन सा राग है? हनुमान जी बोले इसमें तो है। और क्या किया था हनुमान जी ने? श्री राम जाने की श्री राम जाने की कि पूरा महल सजा है। जब राम जी का मंदिर बनेगा ना, एक बात सुनिएगा, उस दिन क्या होगा? निकला करेगी अब राम की सवारी, निकला करेगी अब राम की सवारी, राजा बन के बैठेंगे अब देव बिहारी, राजा बन के बैठेंगे कैसे सवारी कैसे निकलती है? राम जी की निकली राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगदी के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है निकली सवारी, राम जी की लीला है। सुनिएगा, निकला करेगी अब राम की, राजा बन के बैठेंगे अब और क्या होगा? ठुमक ठुमक नाचेंगे वीर हनुमाना, ठुमक ठुमक नाचेंगे वीर हनुमाना, अब क्या करोगे? फूल बरसाएगी दुनिया सारी, फूल बरसाएगी दुनिया सारी, आज भी नजारा होगा उस झांकी का, आज भी नजारा होगा उस झांकी का, दर्शन करेगा शली राम जानकी का, दर्शन करेगा शली राम जानकी का, वो घड़ी आ गई माँ, वो घड़ी आ गई अयोध्या में राम को आना है, ध्वजा तो हर घर पे लहरा है। एक बार बताना, झूठ नहीं बोलना, किस किस के घर पे मेरे प्रभु का झंडा लगा है? झूठ मत बोलना, जिसके घर में लगा है वो हाथ उठाना। अरे वाह वाह, मोड़ वालों ने तो मोड़ में देना ही बालाजी को भैया। एक ही बात कहूंगा, जिनके घर के ऊपर झंडा लगा बहुत सुंदर बात है, लेकिन जिनके नहीं लगा वो कहेंगे विशाल भैया झंडा लगाना क्यों जरूरी है? भैया एक ही बात बोलूंगा, एक बार में समझ लो, अगर पलने पड़ जाए तो बताइए। हमारे खाटू श्याम बाबा किसके ऊपर आते हैं? श्याम बाबा सवारी लीले घोड़े पर सवार होकर नीचे से। अच्छा, शेरावाली माता किस पर आती है? शेर पे। और भोले बाबा किस पर आते हैं? नंदी। नंदी पे। राजकुमार जी जरा बताइए, हमारे बालाजी महाराज कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? हवा में उड़कर। और जिसके घर के ऊपर झंडा लगा होता है बोले ये अपनी पार्टी वाला है, बोलो सच्चे दरबार की। उस पार्टी का झंडा लगा लेते हैं जिसने 5 साल नहीं पता टिकेगा कि नहीं टिकेगा, जिसने 7 जन्म तक पार्टी ने टिकना है उसका झंडा नहीं लगाया, बोलो सच्चे दरबार की। बोल बालाजी महाराज की। क्या बात,
आओ। आइए एक बड़ा प्यारा मीठा सा भजन दरबार में और रखेंगे, उसके बाद जैसे देखो क्या होता है, आते साल माने कितनी बड़ी गाड़ी आप खरीद लो, चाहे आप 10 करोड़ की गाड़ी ले लो, 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, अगर सीधा छटा गियर डालोगे ना वो झटका मार के बंद हो जाएगी, 1-2 करके आराम से चलना चाहिए। तो अभी एक तो भजन थोड़ा ऐसी सुने आप आराम आराम से, फिर उसके बाद जैसे जैसे मोशन बनेगा मेरे बालाजी का ऐसा आशीर्वाद आएगा, फिर नॉन स्टॉप नाचेंगे बोल सच्चे दरबार की। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन आवाज़ जय गुरु कंजक का भी आशीर्वाद मिला। अरे बाप बाप कंजक का आशीर्वाद भी मिल गया माता रानी का। हाँ आई जी, अरे करते करते रुक जा भाई, फिर छठा गिर दिलवा रहा है, रुक जा अभी थम जा, शुरू तो कर रहे हैं राजकुमार जी आती बोल रहे हैं, बोले छठा गिर डाल के भगा दो, मैं कहता हूँ मिनट एक बार बालाजी को निहार तो दूँ अच्छे से। हाँ जी अच्छा अच्छा हाँ फोटो खींच लो जी, लो जी हो गया, चलो शुक्रिया वाह जी वाह। सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया, भजन सुनिए ना प्रेमियों, मेरी आदत नहीं है कि बोले खाली आया ढोल पीटा चलो जी हो गया कीर्तन चलो घर चलो, ऐसा मेरे से होता नहीं है, तो थोड़ा सा तो आपके पल्ले पड़ना चाहिए। सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया, क्या कमाल हुआ, अरे देखो तो बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। भाई साहब सिर्फ 1 मिनट में भजन को समझ लीजिए आप फटाफट से। एक दिन राम जी दरबार में आए, हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी हैरान बोले प्रभु अकेले आ रहे हो, अकेले मैया कहाँ है। राम जी बोले मैया, बोले मैया तैयार होने में वक्त लगा रही थी, मैं उसको छोड़ आया, बोले मेरा दरबार लग गया तू तैयार होती रहे मैं जा रहा, बोले प्रभु ऐसे कैसे चलेगा मैया को तो लेकर आना था। राम जी बोले काम कर मैं कत्ती बैठता हूँ तू जाकर ले बात करके। हनुमान जी गए माँ सीता के कक्ष में, बोले मैया कितना वक्त, हाँ मैया ले आ कितना वक्त लगा दिया ले, ये आपके लिए ना मम्मी देखे गई, अरे सच्ची देखी गई है, सुनो अब बैठ जा, अभी पानी और सेना आएगी बैठ, कहाँ पर थे जी हम, हाँ हनुमान जी गए माँ सीता के कक्ष में, बोले मैया तैयार हो, बोले मैया तैयार तो हूँ, बोले बस एक आखिरी काम रह गया, क्या रह गया जी, बोले सिंदूर लगाना। जैसे ही मैया ने सिंदूर लगाया हनुमान जी बोले मैया ये क्या किया है, इससे क्या इतनी अच्छी तो लग रही थी, ये लाल रंग क्यों लगाया। मैया बोली लाल रंग लगाने से राम जी की उम्र लंबी होती है और वो मुझसे प्रेम करते हैं। बोले मैया ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, ये तेरे हाथ में जो डब्बी है दे दे जरा थोड़ी सी है, 1 मिनट के लिए डब्बी दे दे। मैया ने कहा ये ले पकड़। बोले मैया तूने तैयार होने में इतना वक्त लगाया, 2 मिनट मुझे दे दे मैं यूं गया। अच्छा बताइए हनुमान जी क्या करके आएंगे, पूरे बदन पर लाल रंग लगा करके पहुंच गए दरबार में, और यहां से भजन शुरू होता है। सीता भी हैरान राम भी हैरान कि भाई ये चक्कर क्या है, सुनिए बोलिए बालाजी महाराज की जय। सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा खाली से। एक बार दोनों हाथ सीधे पर शुरू करें, दोनों हाथ उठाकर क्यों हो हनुमान लाल, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, सीता जी बोले राम जी का माल हो गया, सीता जी बोले राम जी का माल हो गया, बजरंगी ये है कीर्तन होगा, बजरंगी लाल चलो गाओ, बजरंगी लाल थोड़ा थोड़ा चलाओ नरेश भाई बजाओ, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। अब राम जी ने देखा बोले और हनुमान ने ये क्या करने आया,
लगडाला खुद को जो लाल रंगे लगडाला खुद को जो लाल रंगे राम जी बोले हनुमान बनर तो सारे पीले बनर तो सारे पीले तू क्यों लाल हो गया बनर तो सारे पीले तू क्यों लाल हो गया पचरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया पचरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। एक बार हाथ उठाओ जरा सीधे जो नाचेंगे वो हाथ उठाना बाकी के मत उठाना। अरे 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 आगे वाले तो सारे नाचने वाले हैं। अच्छा ठीक है अभी खड़े होके नहीं नाचना। मैं पहले भी आया हूँ दरबार में सिखा के गया था बैठे बैठे कैसे नाचते। हाथ उठाओ वन टू वन टू थोड़ा सा और बढ़ा दो। हेलो क्या कहा हनुमान जी ने लगता है ये रंग प्यारा तुझे लगता है ये रंग प्यारा लगता है ये रंग प्यारा तुझे लगता है ये रंग प्यारा तुझे मैया ने बतलाया आज के मुझे मैया ने अच्छा एक बार आप बताओ छोड़ो सारा कुछ छोड़ो बाकी बंदर वाले एक बार बताओ राम जी ज्यादा प्यार सीता से करते कि हनुमान से। हनुमान से सोच रहे हैं सब किसे भैया जी जी राम जी ज्यादा प्यार सीता से करते कि हनुमान से किससे करते पक्का हनुमान जी ने पूछा राम जी आप बताओ किससे ज्यादा प्यार राम जी बोले सीता साथ खड़ी थी बोले सीता से बोले भाई गर्मी जाने आते हनुमान जी बोले प्रभु सच बताओ किससे ज्यादा प्रेम करते हो राम जी बोले बोला तो सीता से हनुमान जी बोले प्रभु आज तो आप कह रहे हो सीता से लेकिन आने वाले कलयुग में दुनिया में कोई नहीं कहेगा अरे मैया इतना सा सिंदूर लगाती इतना प्यार करते मैंने पूरे बदन पे लगाया बताओ दुनिया वालों को मुझसे कितना प्यार करोगे लगता है ये रंग प्यारा तुझे लगता है ये रंग प्यारा तुझे अरे मैया ने बतलाया आज ये मुझे मैया ने बतलाया आज ये मुझे इसीलिए सारा मैं लाल हो गया इसीलिए सारा मैं लाल हो गया बजरंगी लाल मेरा लाल 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 लाल हो गया। अब बजर की आखिरी बात है आखिरी बात जैसे राम जी को पता चला कि हनुमान ने लाल रंग किया